Hey everyone, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel Nomadic Explorista. इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना DJI Mini 4 Pro का रिपेयरिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने इंडिया में रिपेयर करवाया है. अगर आपने मेरा DJI सर्विस सेंटर इन थाईलैंड का वीडियो देखा था, जहां पे मेरा ड्रोन 3 से 4 हफ्ते के बाद भी रिपेयर नहीं हुआ था, 30 से 35 हज़ार का कोटेशन दिया था उन्होंने. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिएगा. सो वापस आने के बाद मुझे एक सर्विस सेंटर मिला जो कि एक प्राइवेट सर्विस सेंटर है बैंगलोर में, एंड 2,500 rupees इंस्पेक्शन फी चार्ज करते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, एंड उसके ऊपर जो भी कंपोनेंट्स या स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उसका आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा. तो मैंने लास्ट वीक अपना ड्रोन ड्रॉप किया है यहाँ पर, एंड इनको 3 से 4 दिन चाहिए था ड्रोन का इंस्पेक्शन करने के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है एंड कैसे उसको रिपेयर होगा सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए. तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना ड्रोन का स्टेटस चेक करने के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो चलिए देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस, एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों विजन सेंसर हो रहा है एंड कितना कॉस्ट पड़ने वाला है मुझे. ओके, तो गाड़ी हो गई है पार्क, एंड यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा हमें SP रोड के लिए, क्योंकि SP रोड में पार्किंग मिलता नहीं है. SP रोड इज बैंगलोर आइकॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेयर पार्ट्स मार्केट, जस्ट लाइक द गफार मार्केट इन दिल्ली. यू कैन बाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर, फ्रॉम लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, कैमराज, ड्रोन्स एंड वॉट नॉट. बहुत बहुत बिजी एंड क्राउडेड रहता है ये मार्केट, विच इज नॉट न्यू फॉर बैंगलोर इफ यू नो. सो प्लान योर डे अकॉर्डिंगली इफ यू आर विजिटिंग SP रोड. इफ यू कैन सी, दिस इज द स्टोर, यहाँ पे मैंने अपना ड्रोन रिपेयर के लिए दिया है. अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्या बोला है उन्होंने, क्या इशू हुआ है मेरे ड्रोन के साथ. ओके, सो उनसे बात हो गई है. जाते ही पहले रिकॉर्डिंग के लिए मना किए थे, लेकिन बाद में फिर जब मैंने उनसे बात किया तो रिकॉर्डिंग के लिए हाँ किया उन्होंने. तो ISO सर्किट उन्होंने ऑर्डर किया है, 2 बार उन्होंने फ्लाई करके देखा जो सेंसर का एरर आ रहा था, क्योंकि सेंसर जो है उससे कनेक्टेड है. तो अभी मलेशिया से ऑर्डर किया है वो, एंड यहाँ आते आते ऑलमोस्ट 2 अगस्त को आएगा. नेक्स्ट सैटरडे मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, ये मेरा 3rd विजिट रहेगा यहाँ पर. लेकिन उन्होंने बोला वो आने के बाद चेक करेंगे ISO सर्किट लगा के कि उसका प्रॉब्लम है या नहीं, या तो सिर्फ ऊपर बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में से एक वो चेक करेंगे. अगर होगा ISO सर्किट का, उसका कॉस्ट बताएंगे कितना होगा. नहीं, सिर्फ बॉडी में ही प्रॉब्लम था एंड रिपेयर हो गया, तो सिर्फ सर्विस चार्ज जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है 2,500 rupees का, उतना चार्ज होगा मुझे. तो ये सब मुझे पता चलेगा नेक्स्ट सैटरडे. बट जो भी होगा, नेक्स्ट सैटरडे जब मैं ड्रोन पिकअप करने जाऊंगा, फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा मैं, उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि ये सर्विस सेंटर का फीडबैक कैसा है एंड सर्विस से मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीकेंड में. तो आज है August 5th. August 2nd को क्या हुआ था, मैंने उनको कॉल किया एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट द स्टेटस, क्या हुआ ड्रोन का. August 2nd को आपने बोला था कि ड्रोन रिपेयर हो जाएगा. तो August 2nd आफ्टरनून में कंपोनेंट आया है मलेशिया से, उनको फ्लाई करके टेस्ट करने में टाइम लग रहा था. तो August 3rd को उन्होंने कॉल किया, जो कि सैटरडे था. कॉल करके मुझे बताया कि ड्रोन रिपेयर हो चुका है, सेंसर सर्किट का ही इशू था, एंड उसका कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ कितना हुआ है. एंड August 3rd सैटरडे को ड्रोन बन के रेडी हो गया था मेरा, बट सैटरडे मुझे थोड़ा काम था एंड संडे फैमिली गेट टुगेदर था, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया. एंड आज है मंडे, तो आज मैं जा रहा हूँ ड्रोन पिकअप करने के लिए अपना, बैंगलोर का ट्रैफिक क्रॉस करके. आई एम अलोन टुडे. तो चलिए देखते हैं कि ड्रोन का स्टेटस क्या है. हो सकता है तो एक बार फ्लाई करके सारा टेस्टिंग करते हैं उनको पेमेंट करने से पहले, एंड लास्ट में मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊंगा. अपने वह 15 से 20 मिनट मुझे लगा सिर्फ पार्किंग ढूंढने के लिए, वो भी मुझे एक ऐसी और जगह में मिला है थोड़ा दूर में. तो फाइनली कार का पार्किंग मिल गया है, और बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे कार पार्किंग ढूंढना. तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर एंड देखते हैं अपना ड्रोन. भूल भुलैया वाला रास्ता. एक चीज़ याद रखना, ये जो आपको बिल कॉपी देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना डिलीवरी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, या तो आपको 1,000 rupees का फाइन पे करना पड़ेगा. थोड़ा संभाल के रखना. तो ड्रोन लाने गए हैं वो अंदर, तो सारे कैमरास है. So it was a proper circuit problem. Yes. Did you get that gimbal cover? Ask if a gimbal cover. Model is 4, right?
4 Pro. 3 no, I tried. I have 3. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ 30 ಡೇಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 30 ಡೇಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನೋ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ ಮೋಟರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು. ಹಾಂ, ಅದು ವಿಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 30 ಡೇಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. तो हो गया चेकिंग डन. नाउ पैक करके लेके चलते हैं इसको, फ्लाई करके टेस्ट करते हैं बाहर. कैप भी मिल गया गिम्बल का, परफेक्ट. अभी जो ये बिल है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. हवा बहुत तेज़ है तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा फ्लाई करने की, देखते हैं. देखो विजन सेंसर वाला चला गया अभी मुझे. देखो ये साउंड ही सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है इसका. तो चलिए एक बार इनवॉइस चेक कर लेते हैं. इनका जो था 2500 रुपीज़ सर्विस चार्ज है, जो मैंने आपको बताया कि ये चार्जेस मैंडेटरी है, मतलब ये कन्फर्म चार्जेस आपको पे करना है 2500. अगर आपका ड्रोन रिपेयर होगा नहीं होगा, फिर भी आपको 2500 रुपीज़ आपको पे करना ही होगा. उसके बाद जो भी स्पेयर पार्ट लगेगा उसका आपको पे करना पड़ेगा. तो मेरा ESC बोर्ड लगा है जिसका मुझे कॉस्ट पड़ा है 15,850. ये मलेशिया से उन्होंने मंगाया है, एंड एक्चुअली आया चाइना से ही, मलेशिया के इम्पोर्टर से या डीलर से मंगाया है. तो ये उनका शॉप का नाम है माटा कैमरा. टोटल जितना हुआ है 18,350. 30 डेज का सर्विस वारंटी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी. 30 डेज़ के बाद क्लेम नहीं होगा. तो अगर आपको ड्रोन लेने के बाद फिर से अगर वो प्रॉब्लम आता है तो आप वापस 30 डेज़ के अंदर उनको दे सकते हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिपेयर करेंगे. एंड सिर्फ गूगल पे या UPI पेमेंट एंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र या कैश पेमेंट ही एक्सेप्ट होता है, कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है. तो ये रहा मेरा DJI मिनी 4 प्रो, एंड अवाटा अंदर पड़ा है. तो दोनों ड्रोन रेडी है मेरे पास अभी. सो आई विल स्टार्ट शूटिंग विद देम. ये एक्चुअल ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है, थर्ड पार्टी रिपेयर सेंटर है ये, जिसमें आप अपने ड्रोन्स या कोई भी कैमराज DSLRs आप रिपेयर के लिए ला सकते हो. एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. थोड़ा दूर है मेरे घर से, सिटी में है ये, एंड ट्रैफिक बहुत होता है. तो यहाँ से मुझे जाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5-2 hours लग जाते हैं कभी कभी. बहुत ही एक्सपीरियंस नॉलेजेबल पर्सन है जिनसे मेरी बात होती थी. कॉस्ट भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगा कम्पेयर टू व्हाट थाईलैंड का जो ऑफिशियल DJI सेंटर था, उन लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट 27,000-28,000 रुपीज़ कोट किया था. एंड यहाँ पे मेरा 20,000 में हुआ है, 20,200, एक्सेप्ट वो कवर एक्स्ट्रा लिया उसकी वजह से. अगर आपको भी आपका ड्रोन रिपेयर कराना है या कैमरा रिपेयर कराना है तो आई वुड रिकमेंड दिस गाइस. दे आर प्रोफेशनल, दे आर वेरी ऑन टाइम, आपको जो भी है अपडेट देते रहेंगे. जो भी रिक्वायरमेंट है, जितना कॉस्ट होगा, आपसे पहले अप्रूवल लेंगे, उसके बाद ही वो रिपेयर करेंगे. इनका जो सर्विस सेंटर का डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपको भी अपना ड्रोन रिपेयर करवाना है या कोई भी कैमरा भी अगर आपको रिपेयर करवाना है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय फॉर नाउ.